बहन थोड़ा साइड में बैठो, आपके नाम बहन जी उस तरफ हो थोड़ा सा ना। देखो फोर एंड ग्रेगरी, यानी ये एक लड़की का नाम है ना, एन ग्रेगरी लड़की का नाम है एन ग्रेगरी के लिए है ना। तो स्कूल में पढ़ा दिया क्या पोइम? नहीं पढ़ाया। इसको हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें एन ग्रेगरी नाम की एक महिला या फिर लड़की है, जवान लड़की है। देखो इसको समस्या क्या है, इसको समस्या यह है कि यहां पर जो कवि है उस कवि को शिकायत कर रही है, कवि से पूछना चाह रही है कि लोग हमें नहीं चाहते, लोग हमें, हम कैसे पता करें कि कोई हमें चाहता है, कोई हमें चाहता है। आंतरिक गुणों को देख करके आजकल जो चाहत बढ़ी है वो बाहरी सुंदरता को देख करके बढ़ी है। इंसान के अंदर जो गुण है ना, कर्म जो है, उनको कोई नहीं देख रहा। फूल अच्छा है, सही दिख रहा है, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। अब वो खुशबू देता है या नहीं देता, हमें उससे कोई, फूल अच्छा दिखना चाहिए है ना। अब यहां पर भैया बातें नहीं करेगा है ना, अब साइलेंट रहो। यहां पर कवि को शिकायत कर रही है कि हम कैसे पता करें कि कोई हमें आंतरिक भावनाओं के साथ चाहता है। सब लोग बाहरी सुंदरता को ही देख करके प्रभावित होते हैं, जो वास्तविकता में हमें चाहे इसके लिए हम क्या करें। तो ये अपने आप में ही बोल रही है, फॉर एन ग्रेगरी ये कह रही है, ये कह रही है कि अगर मेरे बालों को देख करके कोई आकर्षित होता है, जैसे मेरे खूबसूरत काले घने बाल हैं, अगर उनको देख करके कोई आकर्षित होता है तो मैं मेरे बालों को लाल पीला रख लूंगी। क्या करो बहन? किसके? देखो कैसे भी हूं, लेकिन इसके जो बाल हैं वो अब फिलहाल में नेचुरल जो ब्यूटी है वो सुंदरता है। अब ये कैसे कह रही है कि मैं बदसूरत लोगों, मेरे बाल किसी को अच्छे ना लगे, इसके लिए मैं दूसरा कलर कर लूं। आ रही क्या बात समझ में? अगर मेरे बाल कानू की बालियों को ढकने में प्रकोटा के रूप में कार्य कर रहे हैं, कहने का मतलब जैसे बालों किस प्रकार से, जैसे क्या कानू की बालियां दिख रही हैं, तो इससे अगर कोई आकर्षित हो रहा है तो मेरे बालों को परकोटा बना करके उनको छुपा लूं। मेरे चेहरे से अगर कोई आकर्षित हो रहा है सुंदरता को देख करके, तो चेहरे को क्या कर लूं मैं, काला कर। लेकिन अब इस प्रकार के उंगलियों को देख करके फिर मेरे को चाहेगा, तो
तो शायद मुझे लगता है कि वो आंतरिक भावनाओं, मन क्रम और विचारों को देख करके चाह रहा है और वास्तविकता में मुझे चाहता है, तब तो पहचान हो जाएगी ना। तो फिर ये बोलता है, कवि कहता है नहीं, तब भी आपकी वास्तविकता में पहचान का पता नहीं लगेगा, तब भी आपकी वास्तविकता में चाहता है इसका पहचान का पता नहीं लगेगा। और उसने कहा है कि मैंने रिलीजियस, जब इसमें तो नहीं है बुक वगैरह, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ हम किसी को बोलते हैं जैसे रामायण, महाभारत, गीता, शिव पुराण, धार्मिक ग्रंथ ही है ना, मैंने उनमें पढ़ा है। ये कवि कहता है कि मैंने उनमें पढ़ा है कि लोग अगर पूरी दुनिया में देखें चाहने वाले केवल एक है, वो है भगवान, वो भगवान है, वो आंतरिक भावनाओं के साथ में ही आपको चाहता है, भगवान कभी आपका बुरा नहीं करेगा। पर यहां पे वैसे व्याख्या नहीं किया गया है, लेकिन हमारे अपने विचारों के मुताबिक यहां पे जो भावनाएं बताई गई हैं पोएम में, हम कहेंगे कि यहां पर भगवान माता पिताओं को बताया गया है ना, माता पिता के समान ही तो है भगवान वो, है ना। तो माता पिता कहने का मतलब बच्चा उसके लिए चाहे काला हो, भूरा हो, गोरा हो, बच्चा ही रहेगा ना, और सभी के लिए इक्वल ममता रहेगी उनके ऊपर। लेकिन वो दूसरा अगर देखिए उनको, तो काले भूरे में अपनत्व की भावना दर्शाएगा, काले की सुंदरता अच्छी नहीं लगेगी, है ना, दूसरे के लिए। लेकिन पूरी दुनिया में एक भगवान ही है, अर्थात माता पिता ही है, जो आपको आंतरिक भावनाओं, गुणों और कर्मों और वचनों से प्रेम करते हैं, चाहते हैं। बाकी सब दुनिया सुंदरता को देखती है, कर्मों को नहीं। ये कविता का सारांश, समझ में आया क्या? ध्यान दीजिए, देखो इसमें जो भाव था कविता में, आप पढ़ोगे, टीचर आपको पढ़ाएंगे, जो भाव था जैसा उनमें पंक्तियों में भाव बताया गया, वैसा ही हमने समझाने का प्रयास किया। इसमें हमारी तरफ से कुछ इंक्लूड नहीं किया हमने, है ना। अभी टीचर पढ़ाएंगे दो चार दिन में, या फिर आपको ज्यादा उतावलापन हो तो आपके पास में गाइड वगैरह, पासबुक वगैरह है, आप ट्रांसलेशन देख सकते हो, है ना। नमक मिर्च लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। कहने का मतलब भाव उसमें कुछ है और हम कुछ अलग ही बोल रहे हो, ऐसा कोई आतंक तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि व्हाट टेक्स्ट, यहां पे वैसे टेक्स्ट का मतलब पंक्ति होता है ना, लेकिन यहां पे हम ग्रंथ से लेंगे, बुक से लेंगे, पुस्तक से लेंगे, है ना। डिड द ओल्ड रिलीजियस, ओल्ड रिलीजियस यहां पे हम कवि को मान सकते हैं, यानी वर्ड धार्मिक व्यक्ति, ओल्ड यानी वर्ड, रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक, और मैन यानी व्यक्ति या आदमी, फाइंड यानी पाता है, अबाउट यानी के बारे में, गॉड्स लव भगवान चाहता है, भगवान चाहता है के बारे में, वर्ड धार्मिक व्यक्ति भगवान चाहता है के बारे में ग्रंथ में ढूंढता है, क्या ढूंढता है, यानी वर धार्मिक व्यक्ति भगवान चाहता है ना, के बारे में क्या ढूंढता है, अर्थात ग्रंथ में क्या ढूंढता है ना, इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। बाकी आपकी जो पासबुक ट्रांसलेशन, इसमें क्या कीजिएगा, कौन सा कैसे शब्द दे रखा है ना, जैसा इसमें हम वैसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो द ओल्ड रिलीजियस मैन, द ओल्ड रिलीजियस मैन वर्द बुद्धा व्यक्ति फाउंड द टेक्स्ट ग्रंथ में पाता है, इन विच यानी के अंदर, के में, है ना, विच यानी जो ही फाउंड यानी वह ढूंढा, टू प्रूव यानी साबित किया, ढूंढ करके ग्रंथ में से साबित किया, क्या साबित किया उसने, कि दैट, ये जो
गॉड लव्स, भगवान चाहता है ए ह्यूमन बीइंग यानी मानव जाति को, अर्थात भगवान मानव को चाहता है, ऐसा उस ग्रंथ में पढ़कर के उसने साबित किया। अर्थात भगवान तो सभी को चाहेगा ना, मानव जाति को सबको चाहेगा, मानव मानव को चाहने में थोड़ा सा संकोच आएगा, क्योंकि जो बाहर से अच्छा दिख रहा है उसको चाहेगा, बाहर से अगर काला है ना दिख रहा है, सांवला दिख रहा है तो उसको नहीं चाहेगा, चाहे उसके अंदर कितनी गुण क्यों ना हो, है ना। ऐसा इसमें बताने का प्रयास किया। समझ में आया क्या? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम, व्हाट यानी क्या, इज यानी है, द थीम यानी विषय वस्तु ऑफ द पोएम यानी कविता की, यानी कविता की विषय वस्तु क्या है फॉर एन ग्रेगरी, कविता का नाम है तो फॉर एन ग्रेगरी कविता की विषय वस्तु क्या है, अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य भाव क्या है ना। इसमें बताया कि द थीम ऑफ पोएम्स इज दैट ए पर्सन, अब इस कविता की जो विषय वस्तु है वो क्या है कि ए पर्सन ही एक व्यक्ति को सूर्य ने चाहिए बी लव, प्रेम करना, एक व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए फॉर हिज मेंटल, फॉर इनके लिए, अगर लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर मेंटल, अब देखिएगा, यानी व्यक्तियों को प्रेम करना चाहिए, चाहना चाहिए, किस आधार पे चाहना चाहिए, यानी उसके मेंटल एंड मोरल क्वालिटीज, मेंटल एंड मानसिक रूप से, और मोरल क्वालिटीज का मतलब नैतिक गुण, उसका खोपड़ा सही है, नैतिक गुण सही है, इन्हीं को देख करके चाहना चाहिए, एंड इन योर नॉट फॉर द आउटवर्ड ब्यूटी, नॉट फॉर आउटवर्ड ब्यूटी, बाहर की सुंदरता से नहीं, है ना। यानी एक मानव को उसके मस्तिष्क और नैतिक कर्तव्य अर्थात उसके जो आंतरिक जो गुण है उन्हीं के हिसाब से चाहना चाहिए, ना कि बाहरी सुंदरता की। समझ में आया क्या? ठीक है, टुडेज यू आर ऑल पोएम्स इज कंप्लीट, है ना, विद क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट, ये जो छठा चैप्टर था, ये बहन बोल रही थी कि बच गया, इसमें क्वेश्चन बताया नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी कहानी तो समझानी पड़ेगी क्या, बता दिया था, वैसे पढ़ाई दिया था, पूरा लेसन पढ़ा दिया था ना, आपको दिक्कत नहीं है। चलो, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी एक वैज्ञानिक के बनने की प्रक्रिया, किस प्रकार से वैज्ञानिक बनता है उसकी प्रक्रिया इसमें बताई है। अर्थात वैज्ञानिक यहाँ पे कौन है, रिचर्ड एब्राइट, ये वैज्ञानिक है। अर्थात ये वैज्ञानिक कैसे बना, इसकी प्रक्रिया क्या थी, है ना, ध्यान दीजिएगा। क्या करें इनका, बहन तू तो कम से कम समझदार है, ये तो है नहीं, आप तो ध्यान से समझ सकते हो, ध्यान दो। हाउ डिड ए बुक, यानी कैसे एक पुस्तक, हाउ यानी कैसे ए बुक यानी पुस्तक बिकम, बिकम यानी थोड़ी दूरी बनाओ बहन जी, दूरी बनाओ, हमारा खोपड़ा गायब हो जाएगा फिर, है ना। हाँ, हाउ यानी कैसे डिड ए बुक यानी पुस्तक बिकम यानी हो गई ए टर्निंग, यानी बदलाव पॉइंट यानी बिंदु, है ना, इन रिसर्च एब्रेट लाइट। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कैसे एक पुस्तक ने रिचर्ड एब्रेट के जीवन के पॉइंट को अर्थात बिंदु को बदल दिया, है ना। यानी एक पुस्तक ने रिचर्ड एब्रेट के जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया है, पॉइंट में यानी घुमाव आया है, वो कैसे हुआ है ना। इसमें बताया कि रिचर्ड्स मदर्स, रिचर्ड्स एब्रेट इसकी मां, गैव ही मियन उसको देती है, किसको, रिचर्ड्स एब्रेट को, क्या दे रही है, द बुक यानी पुस्तक, एक पुस्तक दी उसने, कौन सी पुस्तक का नाम है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स,
ये पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक में मोनार्क एक्स के नाम की जो चिड़िया है, तितली जो है, उसी के बारे में अध्ययन किया गया है। अब जैसा पढ़ेगा वैसा है तो कार्य करेगा ना। तो ये पुस्तक इसको दे दिए, पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में एट द एंड और अंत में, यानी पुस्तक को पढ़ लेने के बाद में या अंत में ऑफ दिस बुक, यानी इस पुस्तक के अंत में, यानी पुस्तक के लास्ट के पेज पे, पुस्तक के अंत में द रीडर्स, रीडर्स का मतलब पाठक, पाठक किसको बोलते हैं, पाठकों, यानी उस पुस्तक को पढ़ने वाले, आपके जैसे कि बुक है तो बुक के लास्ट में दे रखा होता ना भारत का संविधान या फिर प्रार्थना प्रेयर वगैरह ऐसे दे रखे होते ना लास्ट में, या सुविचार वगैरह, है ना। तो पाठक जो है वो लास्ट में जो पंक्तियां लिखी हैं उसी को यहां पे पाठक बोलेंगे। वर इन्विटेड टू हेल्प, इन्विटेड का मतलब होता है निमंत्रण देना, है ना। किस चीज में निमंत्रण दे रहा है, टू हेल्प यानी सहायता करने में, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई या अध्ययन, किसके बारे में, यानी बुक के लास्ट के जो पेजे हैं उन पेजों में कुछ विशेष लिखा होगा पाठकों के बारे में, पढ़ने वालों के बारे में, क्या लिखा है कि उसके अध्ययन में क्या कर रहा है, वो सहायता को निमंत्रित कर रहा है, सहायता करने के लिए निमंत्रित कर रहा है। बटरफ्लाइज किसके बारे में, तितलियों के बारे में। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रवासी, यानी जो बुक है उस बुक के लास्ट में जो अंत में जो पेजेज हैं उन पेजों में, यानी बटरफ्लाई जो तितलियां हैं वो किस प्रकार से प्रवास करती हैं इसके अध्ययन में वो सहायता करने पर निमंत्रित करती हैं। समझ में आ गई क्या बात, यानी जो पुस्तक है उस पुस्तक के लास्ट के पेजों में क्या लिखा हुआ है कि जो प्रवासी तितलियां हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जाती हैं, एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, है ना, प्रवासी, तो उन प्रवासी तितलियों के बारे में अध्ययन हो, इसके लिए क्या करता है, इनवाइटेड करता है, निमंत्रण करता है कि आप हमें पढ़ो, इसके बारे में प्रवासी तितलियों के बारे में इसमें लिखा है। समझ में आ गई क्या, ठीक है, आगे ध्यान दो। द रीडर्स, रीडर्स का मतलब पाठक, है ना, देखो कई भैया बहन, ध्यान बहन तो हम नहीं कह सकते, जैसे कि आपने भजन कीर्तन सुना होगा, उस भजन कीर्तन में जो मुख्य गायक होता है वो एक पंक्ति बोलता है, और उस पंक्ति के लास्ट के कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को थोड़ा सा ठीक प्रकार से अपनी भाषा में लय, दो तीन बैठे रहते ना नीचे लय मिलाते हैं, या फिर हमें आज भी याद है हमारे गुरुजी थे एसएस के, हम बुराई नहीं कर रहे वैसे ठीक ही थे, लेकिन पूरी पंक्ति पढ़ने के बाद में राम घर जाता, अब सर जी नहीं बोलते थे आगे है, हम बोलते थे है, बस वो है समझ में आता था, उससे पहले क्या बोल दिया, सर तो ठीक से समझा रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम आउट ऑफ रेंज हैं, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में है आएगा वहां बोलना है, है ना, तो वही काम ये कर रहे हैं कि आप बस कोई अच्छा सा शब्द आदा उसमें हम सर जी को ऐसे, हाँ मतलब कि सबूत साबित कर दे कि हाँ हम भी समझ रहे हैं, वैसे तो आउट ऑफ रेंज है। चलो ध्यान दो, द रीडर्स यानी पाठक हैड टू टैग, टैग का मतलब क्या होता है, यानी टैग का मतलब हम वो भी बोल सकते हैं टैग लगाना, है ना, हमने समझाया भी था आपको, यहां पे तंतु या फिर कागज के द्वारा उसमें कुछ टैग लगाया जाता है, इंगित किया जाता है पहचान की दृष्टि से, है हाँ हाँ करते हैं, है ना, टैग तंतु भी हम बोल सकते हैं, है ना, इसमें क्या दे रखा है टैग का, है हाँ लेबल भी बोल सकते हैं,
तंतु भी बोल सकते हैं। नहीं, हम हमारी भाषा में समझ सकते हैं कि एक प्रकार, जैसे हमने उस दिन भी समझाया था कि निशानी के लिए पता लग जाए कि मोनार्क चिड़िया है तो लेबल लगा दिया, टैग लगा दिया ना। उस दिन एग्जाम्पल किसका दिया था हमने, भैंसों का दिया था क्या? कानून में लगा देते हाँ ऐसे टैग हो गए ना। ओ चलो अब देखिएगा, ये जो पाठक है ये बुक बोल रही है, उसकी जो लास्ट के जो पेजेज है उनमें लिखे हुए शब्द बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, किनको बोल रहे हो? जो पाठक है उसको पढ़ा है उसी को कहेंगे ना। उसको क्या कह रहे हैं ये कि टैग द बटरफ्लाइज विच वर टू बी सेंट टू डॉक्टर आर्कहार्ट, है ना, आर्कहार्ट ये देखे ना, आर्कहार्ट है ना, बस आर्कहार्ट है ना, ध्यान दो। अब ये पाठकों को ये पंक्तियां कह रही हैं, क्या कह रही है कि भाई जो तितलियां है ना, उन तितलियों क्या करना, में लेबल लगानी है, क्या करनी है लेबल, और लेबल लगा करके किसको सेंड करना है, विच जो जिसको लेबल लगी है वर टू बी सेंड डॉक्टर आर्क, यानी आर्कहार्ट को भेजनी है। किसको भेजनी है? आर्कहार्ट को भेजनी है। ये हम कह सकते हैं कि जो तितलियों के अध्ययन को ज्यादा गहनता से पढ़ा हुआ एक शिक्षक है ना, उसी को भेजनी है। आप दो तीन थे इसमें, हाँ है ना। तो उसके बाद में कैचिंग वायरस, अब देखिएगा इसने कहा है ये तो भेज देना हमें लेवल लगा करके। अब कैचिंग का मतलब क्या होता है? पकड़ना है। वेरियस का मतलब विभिन्न, बटरफ्लाइज इन तितलियां, जिन विभिन्न प्रकार की तितलियों क्या करना है, पकड़ना है। वाज नोट जी, अब विभिन्न प्रकार की तितलियों को पकड़ना आसान नहीं है, तो इसने क्या काम किया है, ये पाठकों को कह रहा है कौन, डॉक्टर आर्कहार्ट का ये तो बोलेगा ना, है ना, हाँ, तो इसने क्या काम किया है आमिर, सो इसलिए ए ब्राइट वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, यानी मादा मोनार्क जो तितली है, मादा मोनार्क जो तितली है, इसको क्या कर लिया उसने, पकड़ लिया। अब अनेक प्रकार की तितलियों को पकड़ना असंभव है, उसने क्या काम किया, मोनार्क जो नस्ल की जो तितली है उसको क्या कर लिया इसने, पकड़ा है। और मादा है ना, मोनार्क को पकड़ा है, टेक आर एग्स, और उसके क्या ले लिया इसने, अंडे, ठीक है। एंड इन और राइज देम थ्रू देयर लाइफ साइकिल, यहां पर फुल स्टॉप लगाना है। अब देखिए अब इसने क्या काम किया है, उसकी जीवन प्रक्रिया से उठना, ऊपर उठना, या फिर जीवन प्रक्रिया से गुजर करके ऊपर उठना, राइज का मतलब क्या होता है, उठना, इसकी जो जीवन प्रक्रिया होती है, कहने का मतलब जो उसके अंडे हैं, अंडों के बाद में चूजा बनता है, उसको फोड़ा जाता है, उसके बाद में बच्चा निकलता है, इस प्रकार की जो इसकी जो, हाँ, और ये कब फूटते हैं, यानी जब जैसे कि मान लो अंडा है, उसके बाद में जब ये मोनार्क तितली बैठेगी, गर्माहट रहेगी, तब जाकर उसके अंदर जो अंदर का चूजा है वो पकता है, उसके बाद में उसको फिर जब उनको एहसास हो जाता है कि हाँ अंदर अपना जो बच्चा है वो ठीक से प्रोग्रेस हो गया, उसको फिर अंडे को फोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद में बाहर निकलेगा। तो जो प्रक्रिया है, इससे ऊपर उठा, अब इससे ऊपर उठेगा तो इनके अंडे उन्होंने किए तो तितलियां तो अलग अलग वेराइटी की होंगी ना, है ना, इसमें काफी वर्तमान बताया भी गया है, हाँ 24 प्रकार, हाँ। देन इन तब ही उड टैग, तब उसके जो लेबल है देयर विंग्स, यानी उनके पंखों के, एंड लेट देम गो, यानी तब उनको जाना है, ले जाना है। थस अब देखिएगा, कहने का मतलब इस प्रक्रिया से गुजरा नहीं तो इसको अनुभव प्राप्त हुआ, अरे प्राप्त हुआ नहीं हुआ,
और इसी प्रकार से इस बुक ने उसके जनी तितलियों का जो स्तर है उसको उठाया और उस बुक ने उसको पूरा बदल दिया, बदलाव कर दिया उसके पूरे जीवन को। ठीक है ना? या तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम से दिक्कत आप अपना डिफिकल्टी है क्या? नहीं है। आज आपके कंप्लीट दोनों बुक हो चुकी हैं, पोएम क्वेश्चन आंसर सब। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और भैया बहनों देखो, स्टार्ट स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ से हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रिवीजन में हम क्या याद करेंगे? टेंस। इसलिए सभी विद्यार्थी कल जैसे आप आओ तो आपको ग्रामर में टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कहना प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये अच्छे से आप याद करके आओ। आगे क्या बात समझ में? प्रेजेंट टेंस कंप्लीट रूप से आपको याद होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस हम सुनेंगे, जब आपको प्रेजेंट टेंस याद होगा, पास्ट टेंस याद होगा, फ्यूचर टेंस याद होगा, तब हम स्टोरी को वास्तविकता में शुरू करेंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हिंदी की इंग्लिश कैसे क्या बन रही है। आगे क्या बात समझ में? और इसी के साथ अब आपको पहले पर्सन से ही, पहले पाठ के पहले पर्सन से, कहने का मतलब दोनों बुकों में से पहला पहला पर्सन। आगे की बात समझ में? पहला पर्सन फर्स्ट बुक में से, पहला पर्सन सेकंड बुक में से, दो पर्सन और एक प्रेजेंट टेंस का टॉपिक, ये कल हम आपसे सुनने वाले हैं। ठीक है ना? अब जिन भैया बहनों के पास में टेंस का टॉपिक नहीं है उनको बता रहे हम, जिन भैया बहनों के पास में टेंस का टॉपिक नहीं है, लेट आए हैं, वैसे तो हमने कंप्लीट टेंस करवाए हैं, पूरी ग्रामर कंप्लीट करवा दी है ना, तो जिन भैया बहनों के पास में नहीं है, क्या तो वो किसी भैया की जो शुरू से आ रहा है कॉपी लो और राइट करो यहां पे भैया, और राइट हम नहीं करवाएंगे, हाँ समझाएंगे पूरा, क्योंकि राइट करवाने के लिए तो समय ज्यादा लगेगा ना, अब वो समय तो रिवीजन का चलेगा, राइट तो नहीं करवाएंगे है ना, या फिर आप अपनी पासबुक में से भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि पूरा टॉपिक है ना पासबुक में, है ना, हाँ। और आपको लगता है कि सर ने जैसे लिखवाया वैसा हम लिखना चाहते हैं, तो किसी की आप कॉपी लेकर के अपने भैया बहनों के आस पड़ोस में से उसमें से राइट करो प्रेजेंट टेंस एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना? लेकिन समझाएंगे यहाँ पे, ऐसे नहीं कि समझाने जा रहे याद करने के लिए दे दिया, समझाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। दिखाओ बहन, Thank you.